पानी के अंदर प्ले भी कर सकते हैं। तो कार्ड पे 2000 या 2500 का कुछ डिस्काउंट मिल गया मेरे को। ऑनेस्टली बताया जाए तो मुझे थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हुआ। ओ पानी वाइब्रेट हो रहा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम ये जो बोस का जो एक ब्लूटूथ स्पीकर है इसका अनबॉक्स करेंगे और उसके साथ क्या करेंगे परी? अंडर वाटर टेस्ट। तो ये जो स्पीकर है उसको पानी के अंदर डाल के चेक करेंगे कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। एंड आई कांट बिलीव कि एक स्पीकर, क्योंकि उसमें जो ऐसे होल्स होते हैं ना, तो मुझे लगता है पक्का पानी अंदर चला जाएगा। तो वही परी को बिलीव नहीं हो रहा है कि इसको पानी के अंदर भी हम मतलब प्ले कर सकते हैं। तो पानी के अंदर प्ले भी कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ये पानी के अंदर रहेगा और हम इसको म्यूजिक भी लगाएंगे। यानी कि जब भी हम स्कूबा डाइविंग करेंगे तो फिर या फिर वहाँ पे वो जो मछली लोग है ना उनके लिए एक अच्छा सा म्यूजिक लेके जाएंगे। वहाँ पे हम डीजे करेंगे। यो तो परी हमेशा मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो ज्वाइन नहीं करती है, बट जब भी कोई मतलब जो अंडर वाटर टेस्ट होता है ना तब परी आ जाती है, है ना? कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जैसे कि पापा का कैंपिंग टेंट और कुछ एक इंटरेस्टिंग में भी ना मैं आती हूँ पक्का। जल्दी से इसको खोलें। हाँ ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका जो मेरा परचेज प्राइस है 10,200 है। ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल चल रहा है अमेजोन पे, तो कार्ड पे 2000 या 2500 का कुछ डिस्काउंट मिल गया मेरे को। नहीं तो इसका जो रेगुलर प्राइस होता है 11,000 to 12,000 होता है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं JBL का फ्लिप 6 लूं या ये वाला लूं। फाइनली मैं इसी को अभी लिया हूं और फ्लिप 6 भी मैंने ऑर्डर किया है, तो दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो बाद में हम देखेंगे। पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और मेरा एक्सपीरियंस कैसा है ये प्रोडक्ट के साथ, चलिए आगे देखते हैं। और पापा ये भी बोल रहे थे कि ये उनका ड्रीम स्पीकर है। हाँ, इसी के लिए आज तक मैं बोस का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया हूँ। काफी कॉस्टली होता है ये प्रोडक्ट, तो फाइनली मेरे पास सबसे पहला जो बोस का एक प्रोडक्ट है वो यही है। परी आराम से बैठ गई अभी। हाँ। ठीक है ना, अनबॉक्सिंग के लिए। तो हमारा परी जो है वो हमेशा अनबॉक्स स्पेशलिस्ट है, तो ये अनबॉक्सिंग परी के हाथों होगी। अच्छा, चलिए देखते हैं। हाँ। चाकू दीजिए। चाकू नहीं चाहिए, मैंने एक्चुअली यहाँ पे एक स्ट्रिप था यहाँ पे ऐसे। तो ये ओपन बॉक्स आता है, जब आप ये प्रोडक्ट रिसीव करते हो तो आपको एक OTP देना होता है और ओपन बॉक्स पे आपको वेरीफाई करना होता है कि प्रोडक्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो अगर आप लोगों को ओपन बॉक्स डिलीवरी के बारे में आइडिया नहीं है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट पे मेरे को बताना कि जब भी कोई ओपन बॉक्स प्रोडक्ट आप रिसीव करते हो Amazon हो या Flipkart से, आपको क्या क्या चीज वेरीफाई करना है वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये मैंने ऑलरेडी खोल दिया है, चलो परी बाकी ओपन करके वो दिखाएगी कि इसके अंदर है क्या। ओके, अभी ये हमारा खुल गया और अंदर सबसे पहले है हमारा स्पीकर। बाप रे, कितना भारी है। भारी नहीं है परी, ये 600 ग्राम है। ओके, 600 ग्राम मतलब हाफ किलो से थोड़ा ज्यादा है। ये पॉलिथिन को साइड में रखते हैं, तो एक बार दिखा देता हूँ कि मतलब इसको जब आप फर्स्ट टाइम रिसीव करोगे ये किस तरह से सील्ड रहता है। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ऐसे सील्ड रहता है प्रॉपरली। ठीक है ना, ऐसे दोनों साइड पे। इसको खोलने के लिए आपको पहले ये जो दोनों ऐसे प्लास्टिक है ना इसको निकालना पड़ेगा। आप ध्यान देना, जब भी प्रोडक्ट आप रिसीव करते हो तो इस तरह का सील्ड होना चाहिए, वो टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहला चीज। यहाँ पे प्रोडक्ट का सीरियल नंबर रहता है और ये जो सीरियल नंबर आपका प्रोडक्ट का रहता है वो सीरियल नंबर से आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का है, वारंटी वगैरह। ये जो स्पीकर है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी सीरियल नंबर नहीं है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए ये प्रोडक्ट को फास्ट आपको जो बोस कनेक्ट बोल के एक ऐप आता है वहां पे इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको इसका जो सीरियल नंबर है जो इस बॉक्स के ऊपर है वो मैच कर लेना कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर है और जो आपका ऐप है वहां पे जो सीरियल नंबर, मैं आगे वो दिखा दूंगा आपको, वो सीरियल नंबर मैच होना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आप चेक कर लेना। ठीक है ना, पूरा बॉक्स खाली। ये आपका टाइप सी का एक कॉर्ड मिल जाएगा, आपको अपना खुद का पावर एडाप्टर यूज करना है और ये है आपका स्पीकर। अभी बताओ कि इसका लुक्स कैसा लग रहा है, जब टच कर रहे हो कैसा लग रहा है, थोड़ा बताओ। ये काफी स्मूथ है एंड इट्स लाइक रबर जैसा है। रबर जैसा है ना, तो फिर ये इसको सिलिकॉन मटेरियल बोलते हैं परी, सिलिकॉन। हाँ। और इसमें जो बटन्स है ना, जब दबाओगे 30%। हाँ, बैटरी 30% है। अभी ये कनेक्ट के लिए रेडी हो गया है। हाँ। तो लेट ना कर, मतलब ज्यादा डिले ना करके
इसको कनेक्ट करते हैं। कुछ नहीं, ये हमारा मोबाइल है। ब्लूटूथ ऑन करो। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद इसको सर्च करेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक पावर बटन है जो आप देख सकते हो। उसके बाद प्लस माइनस मिडिल वाला जो है, आपको मतलब पॉज करना है गाना को या कुछ कुछ वो फंक्शन के लिए, ये फंक्शन बटन बोल सकते हैं। और ये फाइनली है डिस्कवरी मोड। अभी ये ब्लूटूथ अभी सर्च कर रहा है। आपको अगर कोई नया जो मोबाइल के साथ या किसी के साथ अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको इसको प्रेस करना है। ये ब्लिंक करेगा और ये आपको डिस्कवरी मोड पे आ जाएगा। तो मैं पहले इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ। यहाँ पे आप साथ में दो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। अभी मान लो मेरा एक मोबाइल है, परी का एक मोबाइल है, दोनों का मोबाइल कनेक्ट कर लो। अभी मैं गाना प्ले कर रहा हूँ तो ये प्ले होता रहेगा। मैं जब गाना पॉज कर दूंगा फिर परी अगर अपने मोबाइल से गाना प्ले करेगी तो ये करेगा। तो ये एक अच्छा फीचर जो मेरे को अभी तक लगा इस प्रोडक्ट के साथ। अगर दोनों साथ में प्ले करेंगे तो जिसका गाना पहले प्ले हो रहा होगा वही चल रहा होगा। मान लो मैं अभी गाना प्ले कर रहा हूँ, तुम भी गाना प्ले करना चाहते हो तो मुझे पॉज करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा गाना चलता रहेगा, तुम्हारा मोबाइल का गाना इसमें नहीं आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ तो इसको मैं अपना कंप्यूटर पे कनेक्ट करके रखता हूँ, अपना मोबाइल पे भी कनेक्ट करके रखता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको प्ले करने से पहले मैं बॉस कनेक्ट करके जो एक ऐप है उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। प्ले स्टोर पे जाओ आप, अगर आपका आईफोन है तो ऐप स्टोर पे जाओ, वहाँ पे BOSE बोस कनेक्ट। मैं इसको रिकॉर्डिंग कर लेता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा, ये क्लिप दे देंगे साइड में। तो यहां पे आप जाके बोस कनेक्ट करके सर्च करो यहां पे, तो ये आपको मिल गया बोस कनेक्ट। इसको अभी इंस्टॉल करेंगे परी, ज्यादा ये नहीं, अभी इसको ओपन किया। जब इसको ओपन किया तो इसको अलाउ करना पड़ेगा ये ब्लूटूथ। तो अलाउ करने के बाद ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इस पे आपको एक अकाउंट अपना बनाना होता है। अभी ढूंढ रहा है इसमें, मैं अभी स्किप कर देता हूं, अपना अकाउंट नहीं बना रहा हूं। अभी ये ढूंढ रहा है, देखो मिल गया प्रोडक्ट बोस है ना। हाँ, इसको ऐसे करके अभी मेटल पोर्ट, ठीक है वो कनेक्ट कर अनदर डिवाइस है। ऑलरेडी ये कनेक्टेड है हमारा। अच्छा, बेसिकली ये कनेक्ट होने के बाद ये ऐप पे आपको पता चलेगा कि इसका जो सीरियल नंबर है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो आपको पता चलेगा। कभी कभी ये प्रॉब्लम आ रहा है आईफोन पे, एंड्रॉइड पे बहुत इजीली हो जाता है, एक प्रॉब्लम है ये। हाँ, जल्दी से इस पे कुछ म्यूजिक लगाते हैं और परी जिसके लिए वेट कर रही है अंडर वाटर टेस्ट के लिए, तो गाना सुने। हाँ चलो। पापा का फेवरेट गाना बताओ कौन सा है। नित 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 पता है, इसमें थोड़ा क्लियर आ रहा है क्या? कैसा लग रहा है साउंड? थोड़ा ज्यादा बास लग रहा है, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। ये जो बेस है ना, इसको आप ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते हो, वही एक प्रॉब्लम लगा मेरे को। तो मुझे थोड़ा क्या है ना, वो ज्यादा बेस पसंद नहीं है एक्चुअली। तो इसमें क्या है, वो एडजस्ट करने के लिए है नहीं एक्चुअली, कोई एक डिफरेंट गाना लगाते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस कर लिया है ये प्रोडक्ट को। मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, मतलब एक 10,000 प्राइस पे कर रहे हैं तो जिस तरह का मतलब बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगा। तो ऑनेस्टली बताया जाए तो मुझे थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हुआ, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है इस पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। अगर मान लो मुझे थोड़ा बेस को नीचे करना है, ज्यादा थोड़ा वो क्या बोलते हैं ट्विटर जो रहता है उसको थोड़ा ये करना है जो मुझे जनरली पसंद है, तो वो ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी जो है JBL का फ्लिप 6 उसको भी एक्सप्लोर करूंगा। ये 20 वाट का है, JBL फ्लिप 6 जो है वो 30 वाट का है। तो अभी तक ये प्रोडक्ट जो है मेरे लिए ओके है, बट नॉट अप टू द एक्सपेक्टेड। जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, एक मतलब बोस है, अल्टीमेट साउंड होगा, ये होगा वो होगा, बहुत ज्यादा मतलब मैं सोच लिया था, उस लेवल का है नहीं। जब मैं भी ये सोच रही थी मुझे लग रहा था वो तीन चीजें, वॉइस क्लियर आएगा, वाटरप्रूफ बेस्ट रहेगा, वाटरप्रूफ देखेंगे ना। लेकिन मैं ये नहीं सोच रही थी कि पानी के अंदर भी आवाज आएगी। तो एक काम करो, तुम जाओ एक बड़ा सा उधर ना वो बकेट में पानी लेके आ जाओ। बकेट में, बकेट मतलब एक कुछ बर्तन में लेके आ जाओ जिसमें ये डीप हो पाएगा ऐसे। ओके, और दिखेगा नहीं। हाँ ठीक है, अभी चलो देखते हैं कि सच्ची में वाटरप्रूफ है कि नहीं। पहले म्यूजिक लगाए नहीं जाने के बाद? नहीं पहले म्यूजिक लगाते हैं। ओके ठीक है। हाँ। किसका बर्थडे है परी? आदि का, एक्चुअली मेरा, बट मेरा चला गया है। ओ पानी वाइब्रेट हो रहा है, थोड़ा साउंड ज्यादा दो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉश, निकाल के लाओ ये पानी बाहर ला रहा है। ओ हवा डाल रहा है बाहर, हवा ला रहा है तो इसलिए पानी चला जा रहा है। हो गया परी, अंडर वाटर टेस्ट सक्सेस हुआ कि नहीं बताओ? हुआ। मगर ये जो पानी के अंदर जा रहा है ना, पानी पूरा वाइब्रेट हो रहा है। हाँ, मजा आया? अच्छा लगा। ये क्या पानी पानी खेल रहे हो क्या इसके साथ?
ये अभी जब भी हम स्विमिंग पूल जाएंगे ना, ये भी चलेगा हमारे साथ। बारिश हो जाएगा भी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। हम जब ट्रैकिंग करने के लिए जाएंगे, बारिश हो जाएगा भी तो ऐसे बारिश में भीगते भीगते जाएगा, है ना। हाँ। तो और एक चीज, जब भी हम स्विमिंग पूल जाएंगे ना, वहाँ पे भी यही यूज करेंगे। क्यों, ऐसे ऐसे इसको फ्लोट होता रहेगा क्या? और हम चलो स्विमिंग करते हैं, गाना सुन सुन कर। ओ, ये ऐसे ऊपर फ्लोट हो रहा है क्या? हाँ। अंदर नहीं डूब रहा है? अंदर अगर डुबाओगे, हाँ। बापरे, कैसे पानी, कैसे हवा निकाल रहा है। ओचो, मेरा स्पीकर यहाँ करा गया। तो पापा नहीं, उनके चैनल में बैठ जाती हूँ, इतना अच्छा लगता है। ओ, नहा कर आ गया, चलो इसको ड्राई कर लेते हैं। पानी के अंदर जब ये जा रहा है ना, वो हवा निकाल रहा है। एक बार जब मैं डाली थी, बहुत बड़ा सा बबल आया, और जब आप निकालोगे वो हवा निकालते, तो फिर वो सारे जो पानी है ना, बाहर ऐसे आता है। सो परी, अंडर वाटर टेस्ट कैसा लगा इसका? काफी कूल था। पानी में जाने के बाद वो हवा निकाल रहा था, एंड वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है और ये फ्लोट कर रहा है। तो हम जब कहीं पे अगर जाएंगे पूल पार्टी में, तो ऐसे छोड़ देंगे तो ये ऊपर साउंड देगा और ऐसे नीचे फ्लोट करता रहेगा, ये है ना। लेकिन क्या है बताओ, पानी में जाने के बाद ना उसका जो वॉइस क्लैरिटी, पानी के अंदर जाने से चेंज हो रहा है ना, अगर ऐसे ऊपर फ्लोट करता रहेगा तो साउंड अच्छा रहेगा। हाँ, है ना। लेकिन कभी वो पानी के अंदर से उलट, और जब हम ट्रैकिंग करने के लिए जाएंगे तब भी इसको लेके जाते हैं, अगर बारिश होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन हाँ, वाली बात नहीं है, बारिश होगा तो काफी रगड़ है ये, के फिनिशिंग भी काफी अच्छा है। अनदर थिंग, पापा जब भी कहीं जाएंगे, अगर पॉन्ड मिलेगा, नदी मिलेगा, कूद जा, तो उसके लिए भी अच्छा है। तो इसको लेके थोड़ी ना कूदूंगा मैं। नहीं। तो ठीक है, तो फाइनली मेरा जो एक्सपेक्टेशन था इस प्रोडक्ट को लेके ना, थोड़ा सा मतलब मीट नहीं हो पाया, ऑनेस्टली मैं बताता हूँ। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इस पे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ज्यादा ऑप्शन नहीं दिया है। मैं अगर अपने हिसाब से साउंड का जो टोन है या जो भी बेस है, ये सबको अगर एडजस्ट करने की कोशिश करूं, वो ऑप्शन जो बोस कनेक्ट है उस ऐप पे नहीं है। मैंने काफी कर दिया है उसको, उसमें बस एक ही चीज है। मान लो आप इसके साथ कुछ एक डिफरेंट डिवाइस को पेयर करना चाहते हो, तो वो जो बोस कनेक्ट ऐप है वो आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा कुछ भी अलग सा और कुछ हेल्प नहीं करेगा वो ऐप। उसमें आपको प्रोडक्ट का सीरियल नंबर दिखेगा और मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखेगा और वो पेयरिंग का ऑप्शन रहेगा। उसके अलावा आप इसको कुछ साउंड को अगर एडजस्ट करना चाहो तो कुछ नहीं कर सकते। JBL Flip 6 ऑर्डर करने वाला हूं, उसके साथ मैं इसको कंपेयर करूंगा कैसा है, वो आगे वाले वीडियो पे आपको देखने को मिलेगा। Flip 6 जो है वो इससे प्राइस कम है और वो 30 वाट का स्पीकर है, और ये जो है ये 20 वाट का स्पीकर है। तो फिर बाय नाउ हियरिंग एंड एक्सपेक्टेटिंग कि वो वाला थोड़ा इससे अच्छा लगेगा। हाँ, बट ब्रांड वाइज जो बोस है वो बेटर है, बट जब हम दोनों प्रोडक्ट को पीयर बाय पीयर कंपेयर करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसा लगा इस वीडियो, आप कमेंट पे जरूर बताना। प्रोडक्ट को लेके अगर कुछ आपका क्वेरी है तो कमेंट पे लिखना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और ये जो प्रोडक्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, आप चेक कर सकते हो, और प्राइस आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कंपेयर करो, जहाँ पे आपको अच्छा प्राइस मिलता है आप वहीं पे ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अनदर वीडियो विद ए न्यू एक्सपीरियंस। थैंक यू, बाय बाय।